हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सिमी प्रजापति और सुबह के बज चुके हैं 6:40 और अब हम चल दिए हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। हम जा रहे हैं 18 जून को यूजीसी नेट का एग्जाम देने हिसार से, यानी कि हरियाणा के हिसार सिटी से जा रहे हैं हम। हरियाणा की हवाई जहाज तो दौड़ रही थी रफ्तार से, लेकिन हवाई जहाज यानी कि हरियाणा की रोडवेज में गर्मी और भीड़ बहुत थी। गर्मी और भीड़ होने का कारण यही था कि जब पहले यूजीसी नेट का एग्जाम होता था वो कंप्यूटर बेस्ड होता था, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों का एग्जाम अलग अलग दिन यानी कि कई दिनों तक चलता था। लेकिन इस बार पेन और पेपर बेस्ड एग्जाम था, जो अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चों का एग्जाम दो ही दिन में कंडक्ट हुआ, 18 और 19 जून को। इसलिए भीड़ और गर्मी बहुत ज्यादा थी भाई, बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट में भीड़ थी। और अगर तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ और गर्मी थी भाई। पहले तो आधा घंटा तो मुझे खड़ा होकर जाना पड़ा, इतनी परेशानी हुई भाई। फिर कोई पैसेंजर उतरा तब जाकर मुझे सीट मिली और मुझे कुछ राहत मिली। तो हमने 4 घंटे का सफ़र पूरा किया तो हम अब पहुँच गए थे कुरुक्षेत्र। और लेकिन हमारा सफ़र यहीं नहीं ख़त्म होना था, हमें जाना था लाड़वा गांव में सेंट निश्चल स्कूल में, जो हमारा सेंटर था। हमने आधा घंटा का सफ़र और पूरा किया और हम पहुंच गए अपने सेंटर की ओर। तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो गया था, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल भी हो गया भाई। अब क्या फ़ायदा अच्छा एग्ज़ाम होने का, अब देखो कब होगा एग्ज़ाम। लेकिन हमने मस्ती भी बहुत की। अगर आप जाओ पेपर देने यानी एग्ज़ाम देने जाओ तो अपने ग्रुप के ही साथ जाना भाई, बहुत मज़ा आता, बहुत मज़ा। अकेले जाओगे तो बोर ही हो जाओगे, सच्ची बताऊँ तो। गाइस देखो, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, इतनी तो लड़कियाँ भी नहीं लगाती, मैं भी नहीं लेकर आई सनस्क्रीन तो। मेरे लिए ले ले। ओके। तो अब हमारा 3 घंटे का सफर पूरा हो गया है और हम जा रहे हैं। गर्मी लग रही है, गर्मी। अरे मीठा पानी लग रहा था। तो गाइस हम मीठा पानी पीने जा रहे हैं। इनको कि ना कैब में आ जाना, पर नहीं, सीमा रानी को तो बस में आना था। जब से बोल कब आएंगे, कब आएगा, कब आएगा। गाइस ये इतने चुटकियां हैं। कैसा हुआ पेपर? इसका तो बहुत इसके अच्छा नंबर बताऊंगा मैं, ब्लॉग में रिकॉर्ड कर ले जाए। इसके नंबर आवेंगे 140 तक। चलो मैं लिख के दे सकूं या मत कह दे चीज, मैं लिख के दूं, नोट कर ले आज। ठीक है, तेरा कैसा हुआ पेपर? मेरा नहीं मालूम, मात्रा का नहीं पता। नेहा तेरा? बेहतरीन हुआ सबका, मेरा ही गंदा हुआ है। तो हमारा एग्ज़ाम सेंटर था कुरुक्षेत्र में। हमारा पेपर हो गया है, 6 बज गए हैं, घर जा रहे हैं हम। पब्लिक बाय बाय। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म सरोवर। ये देखो भाई, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर। हेलो, ये रहना जा रहे हैं। लेकिन मैं सुबह आऊँगी, इतना व्यू दिखा नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं खुद ही थक चुकी हूँ इतना। मेरे को पानी साफ तो नहीं लग रहा, लेकिन गंदा है पानी। हाँ बहुत गंदा है पानी, पानी। सुबह आऊँगी इधर। गाइस हम आए सुबह सुबह घूमने। ये बता वो वीडियो क्या नहीं दिख रहा? कहाँ जा रही है? ये तो वो वाली वीडियो बन गई। शर्मा का है रही हो। ग्रुप में आने का यही फायदा है, एक कैमरामैन मिल जाएगा, एक स्पोर्ट वाला मिल जाएगा, एक मॉडल मिल जाएगी। तो हमने भाई बहुत सारी वीडियो बना ली है, फ़ोटोज भी क्लिक कर लिया है। बहुत 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 मज़ा आया भाई,
जितना एग्जाम देकर मजा नहीं आया होगा उतना तो घूम फिर के ही हमने मजे ले लिए, हमारे पैसे पूरे कर लिए हमने घूम फिर के ही। ये मेरा दोस्त भूपी खड़ूसा सा नकचड़ा।